A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. And today I'm going to teach you part number two of your chapter name, The Enemy. So before we proceed, let us understand whatever we have studied in this particular chapter. देखें, ये जो पूरा का पूरा chapter है, ये एक doctor है, जिसका नाम है Dr. Sadao. उसके around ये chapter घूमता है. पार्ट नंबर वन में हमने देखा डॉक्टर सडाओ वाज स्टैंडिंग इन द बालकोनी विद हिज वाइफ नेम हेना. तो डॉक्टर सडाओ अपनी बालकोनी के अंदर खड़ा होता है अपनी वाइफ के साथ. सडनली ही सो एक उसको कुछ दिखाई पड़ता है, समथिंग ब्लैक, कुछ ब्लैक उसको दिखाई पड़ता है. समथिंग वाज कमिंग आउट फ्रॉम द सी, समुंदर से कुछ आता हुआ उसको दिखाई पड़ता है. एंड दैट मैन यू नो स्टैगर्ड, वो लड़खड़ाता हुआ एंड फेस डाउन, और वो जाकर मतलब उस फेस के बल वो जमीन पर गिर जाता है. एंड इट वाज कंफर्म दैट ही वाज नन बट इट वाज अ मैन. तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक आदमी है. एंड आफ्टर दैट डॉक्टर सडाओ एंड हैना जस्ट वेंट टू हिम, उसके बाद वो उसके पास जाते हैं. एंड एज दे टर्न हिम एंड दे कंफर्म दैट इट वॉज एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकन होता है, अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर होता है यानी कि वो जेल से भागकर आया होता है. एंड सम हाउ आई थिंक ही वॉस्ट अशोर, यानी कि वो पानी में बह गया. एंड आफ्टर दैट एक्चुअली ही वॉज इन बैड कंडीशन, वो एक बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन के अंदर फंसा हुआ होता है, यानी वो जो आदमी होता है वो बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में होता है. ही माइट डाई इफ नॉट ऑपरेटेड, अगर उसको ऑपरेट नहीं किया गया तो शायद वो मर भी सकता है. बट ए चैलेंज कम्स बिफोर द डॉक्टर सडाओ नाउ. एंड वट इज दैट चैलेंज, बिकॉज ही वॉज अ ट्रू जैपनीज एंड इन दोज डेज देर वॉज अ वर्ल्ड वॉर बिटवीन जापान एंड अमेरिका. सो नाउ द चैलेंज इज you know being a true doctor, okay, he should treat his you know patient, okay, regardless like if he is his enemy or not. लेकिन एक सच्चा मतलब एक डॉक्टर होने के नाते उसको चाहे वो कोई भी उसका पेशेंट हो, चाहे वो उसका एनिमी ही क्यों ना हो, उसको उसको क्या करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए. बट एट द सेम टाइम ही वॉज अ ट्रू जैपनीज, ही वॉज यू नो ट्रू पेट्रोइट, एक देशभक्त था. एंड शुड ही सेव द पेशेंट और हैंड ओवर दैट अमेरिकन टू द जापान आर्मी. तो उसके सामने एक बड़ा चैलेंज ये आ जाता है, क्या उसको एज ए डॉक्टर होने के नाते उसको उस आदमी को बचाना चाहिए, उस अमेरिकन को बचाना चाहिए, या फिर मतलब उसी आदमी को उनको हैंड ओवर कर देना चाहिए, आर्मी को, जापान की आर्मी को उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए. सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज विच इज कन्फ्रंटेड बाय डॉक्टर सडाओ नाउ. और डॉक्टर सडाओ उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अभी फेस कर रहा है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन पार्ट नंबर टू, अभी फिलहाल क्या होता है देखते हैं पार्ट नंबर टू के अंदर. नाउ सडाओ रिमेंबर, अब सडाओ क्या करता है, सडाओ को याद आता है, रिमेंबर याद करना, वुंड इंजरी विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर, और वो अपनी उंगलियों से, क्योंकि उसकी जो उंगलियां होती है एक्सपर्ट होती है क्योंकि डॉक्टर होता है, और वो अपनी उन उंगलियों से क्या करता है, ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, जहां पर वो मतलब क्या है इंजरी होती है, जहां पे चोट लगी होती है उस चोट को ढूंढने की कोशिश करता है. ब्लड फ्लॉड फ्रेशली, और तभी खून निकलने लग जाता है बहुत सारा, एट हिज टच, जैसे वो उस घाव को छूता है तो खून निकलने लग जाता है. ऑन द राइट साइड, राइट साइड की तरफ अगर बात की जाए, ऑफ हिज लोअर बैक, यानी उसकी पीठ के नीचे, किसके, उस अमेरिकन सोल्जर के पीठ के नीचे, सडाओ सोक, सडाओ देखता है दैट अ गन वुंड, यानी उसके उसको क्या होता है, गन शॉट लगा होता है, कहीं ना कहीं गोली लगी होती है, उसका एक घाव बना हुआ होता है, हैड बीन reopened, मतलब उसका जो घाव था गोली लगने का जो घाव था वो दोबारा से खुल चुका था. द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड, और जो उसकी खाल थी जहां पर उसको गोली लगा हुआ था वो हिस्सा ब्लैक पड़ चुका था विद द पाउडर, क्योंकि जो पाउडर था, जो उस पाउडर की वजह से उसका जो हिस्सा जहां पर उसको गोली लगी थी वो वाला हिस्सा ब्लैक पड़ चुका था, समटाइम नॉट मैनी डेज अगो, और मतलब ऐसा नहीं है कि वो गोली उसको बहुत लंबे टाइम पहले लगी हो, शायद मतलब गोली अभी उसको थोड़े टाइम पहले ही लगी थी. द मैन हैड बीन शॉट, शायद उसको गोली मारी गई थी अमेरिकन को, एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और शायद उसको टेंडेड मतलब उसका टेक केयर करना,
यानी उसका इलाज करना या उसका टेक केयर करना, एंड इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुड, और उसके लिए ये अनफॉर्चुनेट रहा कि एक पत्थर था, रॉक था, उसका जो नुकीला हिस्सा था वो स्ट्रक, मतलब अंदर की तरफ लग जाना वुंड, यानी वो घाव के अंदर उसका जो नुकीला हिस्सा था उस रॉक का, वो उसकी वजह से उसका जो घाव था, गोली का घाव था, और भी ज्यादा वो गहरा हो गया था. ओह हाउ इज ब्लीडिंग, हैना विस्पर्ड. विस्पर्ड का मतलब धीरे से बोलना, और हैना डॉक्टर सरडाओ को कहती है देखो किस तरीके से खून निकल रहा है इसको, अगेन इन अ सॉल्मन वॉइस. सॉल्मन होता है वेरी सीरियस वॉइस, मतलब बहुत ही सीरियस आवाज में बोलती है कि किस तरीके से इसका खून निकल रहा है. द मिस्ट स्क्रीन, मिस्ट का मतलब हो गया धुंध, स्क्रीन देम नाउ कंप्लीटली. स्क्रीन का मतलब यहाँ पर मतलब घेर लेना. अब जो धुंध थी उन्होंने, उस धुंध ने क्या कर लिया था, डॉक्टर सडाओ और उसकी जो वाइफ थी उसको भी घेर लिया था. एट दिस टाइम, और इस वक्त, एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, क्योंकि इस टाइम कोई भी वहां पर नहीं आता, क्योंकि वो कौन से एरिया में रहते थे डॉक्टर सडाओ, एक कोस्टल एरिया था, एक समुद्री एरिया था, और जनरली वहां पर कोई नहीं आता था इस टाइम. The fisherman had gone home, क्योंकि जो fisherman है, मतलब जो मछुआरे थे, वो घर जा चुके थे, and even the chance of beachcomber. Beachcomber क्या होते हैं, जो देखो बीच के ऊपर जो generally चोरी करते हैं, मतलब बीच के ऊपर जो चोरी करते हैं, किसी का सामान उठा कर ले जाते हैं, ये चोरी करने वाले, बीच के ऊपर जो चोरी करने वाले होते हैं, would have considered the day at the end. Even जो beachcombers होते हैं, जो बीच के ऊपर चोरी करते हैं, शायद उनके लिए भी दिन का आज अंत हो चुका है, यानी उनका भी काम धंधा खत्म हो चुका है, यानी उनका भी दिन अब खत्म हो चुका है. तो इस टाइम जनरली वहां पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है उस कोस्टल एरिया के अंदर. What shall we do with this man? सडाओ मटर्ड. मटर्ड का मतलब अंदर ही अंदर बुदबुदाना, बोलना. अब यहाँ पर डॉक्टर सडाओ अपनी वाइफ से बोलता है कि हम इस आदमी के साथ क्या करें. बट हिज ट्रेन्ड हैंड्स सीम्स ऑफ दे ऑन विल टू बी डूइंग. लेकिन जो डॉक्टर सडाओ के जो हाथ थे वो ट्रेन थे, और वो वही करना चाहते थे जिनके लिए उनको ट्रेन किया गया था. इट मीन्स मुंह से तो वो ये बोल रहा था कि क्या करे इस आदमी के साथ, लेकिन उसके हाथ कहीं ना कहीं वो इस तरीके, इस तरफ इशारा कर रहे थे कि शायद वो चाहता था कि इस आदमी को ऑपरेट किया जाए. What they could do to snatch the fearful bleeding. What they could do, मतलब उसके जो हाथ है वो क्या कर सकते थे. स्नैच का मतलब इसे छीनना होता है, यहाँ पे रोकने की सेंस हो गया. द फियरफुल, फ्राइटेनिंग, डरावनी, ब्लीडिंग, खून, यानी वो जो खून निकल रहा था, हालांकि वो बोल तो ये रहा था कि क्या करे इस आदमी के साथ, लेकिन उसके जो एक्सपर्ट हैंड थे वो शायद उस ब्लीडिंग को रोकना चाहते थे. एंड ही पैक्ड का कवर्ड, ही कवर्ड द वुंड, और उसके बाद वो क्या करता है, जो इंजरी होती है, जो वुंड होता है, उसको पैक कर देता है विद द सी मोस. सी मोस क्या होता है, काई होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, समुद्र के अंदर जो काई होता है, उस काई से उस घाव को भर देता है. And skewed the beach, मतलब that skewed the beach, फैला होना, यानी जो काई, हरे रंग की जो काई होती है, जो generally beach के ऊपर फैली होती है, वो उस काई को उठाता है और वो उस घाव के अंदर भर देता है. The man moaned, कहराना, जो आदमी है वो दर्द में कहराता है in his stupor. Stupor का मतलब हो गया यहाँ पे unconscious, मतलब वो किस condition में पड़ा होता है, वो बेसुध सा पड़ा होता है, उसी कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो दर्द में कहराता है. बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो उठता नहीं है. द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू, वी पुट हिम टू बैक इन द सी, सेड सडाओ. सडाओ बोलता है कि सबसे अच्छी चीज हम इस आदमी के साथ यही कर सकते हैं कि शायद हम इसको क्या करें, दोबारा से इसको समुद्र में फेंक दें. आंसरिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को आंसर करते हुए बोलता है. Now that the bleeding was stopped for a moment, क्योंकि अभी खून कुछ टाइम के लिए रुक गया है, he stood up, वो खड़ा होता है, and dusted the sand from his hands, और उसके जो हाथों में जो sand लग चुकी थी, जो मिट्टी लग चुकी थी, डॉक्टर सडाओ उसको साफ करता है. Yes, undoubtedly, इसमें कोई संदेह नहीं था, that would be the best, Hannah said. और हैना भी बोलती हाँ, क्योंकि ये तो हमारा enemy है, ये तो हमारा दुश्मन है, American है, और said steadily मतलब with confidently. दृढ़ता के साथ हैना भी बोलती हाँ, हम इसके साथ यही कर सकते हैं कि इसको दोबारा से हम समुद्र में डाल दें. बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन. लेकिन एक तरफ से तो क्या कर रही थी कि इस आदमी को हम कहाँ पे डाल दे, समुद्र में डाल दे, लेकिन वो लगातार स्टेयर का मतलब टकटकी लगाकर देखना. मोशनलेस मतलब यहाँ पर इनएक्टिव, मतलब वो जो बेसुध सा जो आदमी पड़ा हुआ था, अमेरिकन पड़ा हुआ था, उसकी तरफ वो लगातार स्टेयर कर रही थी, उसकी तरफ लगातार देख रही थी.
इफ इज शेल्टर्ड, आश्रय देना, अगर हमने इस आदमी को अपने घर पर रखते हैं, व्हाइट मैन जो कि एक अमेरिकन है, इन अवर हाउस, अपने घर पर, वी शुड बी अरेस्टेड, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि अमेरिकन हमारे दुश्मन है, एंड इफ वी टर्न हिम एज अवर ए प्रिजनर, और अगर हमने इसे एक कैदी की तरह इसको आर्मी को सौंप दिया, ही वुड सर्टेनली डाई, और वैसे भी मर जाएगा, सड़ाव सेट, डॉक्टर सड़ाव बोलता है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलता है कि डॉक्टर सड़ाव बोल तो ये रहा है कि उसको हम पानी में डाल देते हैं दोबारा से, बट कहीं ना कहीं उसके माइंड, उसके दिल के अंदर एक ह्यूमैनिटी है, एक मानवता है, और वो मानवता बार बार उसको ये चीज करने के लिए बोल रही है कि शायद एज ए डॉक्टर उसको क्या करना चाहिए, उस अमेरिकन को ट्रीट करना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, है ना सर? तो मतलब सबसे अच्छी बात तो यही होगी, मतलब कहीं ना कहीं काइंडनेस मतलब दयालुता वाली बात होगी कि अगर हम इसको दोबारा से समुद्र के अंदर डाल देते हैं, बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन बोलते तो दोनों के कि हम इसको समुद्र में डाल देते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी हिलता नहीं है, ना तो हैना हिलती है और ना ही डॉक्टर सड़ाव हिलता है, यानी कि उसको पानी में डालने के लिए उस अमेरिकन को। देवर स्टेरिंग विद क्यूरियस रिपल्शन, रिपल्शन का मतलब होता है हैट्रेड, नफरत के साथ, और वो लगातार क्या कर रहे थे, देख रहे थे एक हैट्रेड के साथ अपॉन द इनहेरिट फिगर, इनहेरिट का मतलब हो गया टॉर्न फिगर, टूटी फूटी जो फिगर थी, यानी जो एक खस्ता हालत के अंदर वो आदमी जो था अमेरिकन था उसकी तरफ वो लगातार देख रहे थे, और उन दोनों में से कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि जो तैयार था कि उस आदमी को पानी के अंदर दोबारा से डाल दिया जाए। व्हाट इज ही, हैना विस्पर, ये कौन है, ये कौन है, व्हाट इज ही, ये कौन है, हैना पूछती है कि जो अमेरिकन है ये कौन है। देयर समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, कि मतलब देखने से ऐसा ही लगता है कि ये जो हो ना हो ये एक अमेरिकन है, यानी उसके लुक से, उसके देखने के, उसके अपीयरेंस से वो एक अमेरिकन लगता था। सड़ाव से, सड़ाव बोलते ही अमेरिकन दिखाई पड़ता है। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, बैटर्ड का मतलब हो गया, बैटर्ड का मतलब हो गया टॉर्न, फटी पुरानी, और उसकी जो कैप थी उसकी सोल्जर की, अमेरिकन सोल्जर की, वो फटी हुई थी। यस दे ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग, मतलब यहाँ पर मतलब उसके जो फेंट मतलब धुंधले पड़ जाना, और उस कैप के ऊपर कुछ लेटर्स लिखे हुए थे जो कि धुंधले पड़ चुके थे। अ सेलर, मतलब वो एक नाविक था, नेवी सोल्जर था वो। ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, वॉरशिप एक शिप होती है बहुत बड़ी, जनरली वो नेवी वाले क्या करते हैं, जनरली जब कोई वॉर हो जाता है तो उस टाइम उसको यूज किया जाता है, तो हो ना हो ये एक वॉरशिप का एक सेलर है, एक नेवी ऑफिसर है, नेवी सोल्जर है। ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी, और उसके बाद डॉक्टर सडाव क्या कहता है, उस कैप के ऊपर जो लिखा होता है उसको स्पेल आउट करता है, उसको बोलता है यूएस नेवी, और उसके ऊपर यूएस नेवी लिखा होता है। द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, और ये जो आदमी था वो क्या था, एक कैदी था जो कि फरार हो चुका है, यानी कहीं ना कहीं उसको क्या किया गया था, उसको जापान के अंदर कैद कर लिया गया था और वो कैद से फरार हो चुका था, अमेरिकन सोल्जर। ही हैज एस्केप्ड, फरार होना, हैना क्राइड सॉफ्टली, हैना बोलती है कि शायद ये फरार हो चुका है, हैना बड़ी सॉफ्टली बोलती है, एंड दैट इज वाई ही इज वाउंडेड, और इसी वजह से शायद इसको ये जख्मी हालत के अंदर इसको इंजरी है, वो जहाँ चोट लगी हुई है। इन द बैक सड़ाव अग्रीड, सड़ाव भी क्या करता है, सड़ाव मतलब हैना के साथ अग्री करता है, इन द बैक यानी उसको बैक में जो गन शॉट लगा होता है, तो डॉक्टर सड़ाव भी अग्री करता है हैना के साथ, इस वजह से शायद इसको इंजरी आई हुई है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, अब वो हेजिटेशन में थे, यानी वो नर्वस दिखाई पड़ रहे थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। द हैना सेड विद रेजोल्यूशन, स्ट्रॉन्गली डिटर्मिनेशन के साथ हैना बोलती है, कम Are we able to put him back into the sea? अब हैना बोलती है, क्या हमारे अंदर इतना साहस है कि हम इस आदमी को दोबारा से समुंदर के अंदर फेंक दें? If I am able, are you? सड़ाव asks. अगर सड़ाव बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है मान लेता हूँ कि अगर मैं तो हूँ, अगर मैं तो अग्री हूँ, चलो मैं कर लेता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं इस आदमी को पानी में डाल सकता हूँ, तो हैना क्या तुम हो, क्या तुम इस, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है? दोनों के अंदर हिम्मत नहीं होती है। No, Hannah said. Hannah बोलती नहीं मेरे अंदर तो नहीं है, but if you can't do it alone, क्या तुम इसको अकेला नहीं कर सकते हो? Sadao hesitated again. Sadao दोबारा से नर्वस दिखाई पड़ता है. The strange thing is, he said that the man was whole. I could turn him over to the police without any difficulty. तो यहाँ पे Sadao क्या करता है?
वो जस्टिफाई करता है किस चीज को, कि अगर ये आदमी कंप्लीट होता है यानी कि ये फिजिकली फिट होता, अगर इसमें इंजरी नहीं होती, अगर इसको चोट नहीं लगी होती, तो मैं इस आदमी को क्या कर देता, हैंड ओवर कर देता पुलिस को बिना कोई डिफिकल्टी के, बिना कोई मुसीबत के। आई केयर नथिंग फॉर हिम, और वैसे भी ये मेरा दुश्मन ही है और इसकी मैं चिंता भी ना करता। ही इज माई एनिमी, और ये वैसे भी मेरे दुश्मन देश का है। And all Americans are my enemy. और सारे के सारे Americans हमारे दुश्मन हैं। He is only a common fellow. ये सिर्फ एक आम आदमी है। You see how foolish his face is. तुम देख सकती हो इसका जो मूर्खों जैसा चेहरा, कैसा इसका चेहरा मूर्खों जैसा है। But since he is wounded, यहाँ पे पता चलता है कहीं ना कहीं डॉक्टर सड़ा हुआ है, वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस है। कहता है कि अगर ये आदमी कंप्लीट होता है, इसको कोई चोट नहीं लगी होती, तो मैं बिना कोई मुसीबत के मैं इसको हैंड ओवर कर देता पुलिस को। लेकिन ये आदमी को चोट लगी हुई है, और एज ए डॉक्टर मैं अपने पेशेंट को, मुझे पहले जान बचानी होती है, और मैं उस पेशेंट को हैंड ओवर नहीं कर सकता हूँ। ही ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हैना सेड। अब हैना बोलती है कि मुझे पता है कि तुम भी मतलब इस आदमी को पानी के अंदर दोबारा से नहीं फेंक सकते हो। एंड देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, ना तो तुम इसको पानी में फेंक सकते हो, ना मैं इसको पानी फेंक सकती हूँ। हैना बोलती है वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, और हैना बोलती है तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हमें इसे अपने घर ले जाना होगा। बट द सर्वेंट सड़ाव इंक्वायर, सड़ाव मतलब अपनी वाइफ से पूछता है ना से, अगर ये बात सर्वेंट्स को पता चल गई तो, क्योंकि सर्वेंट भी अमेरिकन, सर्वेंट भी तो जैपनीज है, और अगर उनको पता चल गया कि हम एक जैपनीज की हेल्प कर रहे हैं तो शायद वो हमारे अगेंस्ट हो जाए, तो इस तरह के कुछ मतलब क्या हो सकते थे कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे कुछ चीज का उनको सामना करना पड़ सकता था। वी मस्ट सिंपली टेल देम, मतलब यहाँ पे है ना बोलती है कि चलो ठीक है, हम अपने सर्वेंट को क्या बोल देंगे, साफ साफ ये बोल देंगे दैट वी इंटेंड, इंटेंड का द विश, इच्छा रखना, गिव हिम टू द पुलिस। हम उसको कह देंगे, हम इसको मतलब क्या, हम अपने घर थोड़ी रखना चाहते हैं, हम तो इसको पुलिस को हैंड ओवर करना चाहते हैं। एज इंडीड वी मस्ट, और वैसे भी हम इसको पुलिस को ही क्या करना चाहते हैं, सचमुच में हम इसको हैंड ओवर करना ही चाहते हैं। सडाओ वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना होगा, जो पोजिशन, और तुम्हारी जो पोजिशन है जापान के अंदर एज ए डॉक्टर, बहुत ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी इज्जत है। इट वुड इन डेंजर, खतरे में डाल देना ऑल ऑफ अस, और अगर हम इस अमेरिकन को अपने घर पे रखते हैं तो डेफिनेटली सी बात है ये अमेरिकन हम सभी को खतरे में डाल देगा। इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन अवर ए प्रिजनर ऑफ वॉर, और अगर हम इस आदमी को एज अ, अगर हम इस आदमी को पुलिस या आर्मी को हैंड ओवर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली सी बात है हमारे ऊपर चार्जेस लग सकते हैं, हमें अरेस्ट किया जा सकता है, और हमारा जो एक रेपुटेशन है इस समाज के अंदर, शायद वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो कॉलेप्स हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और हमारे बच्चों की और आपकी पोजिशन की, हमारी पूरी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। सर्टेनली सड़ाव अग्रीस, सड़ाव क्या करता है, इस बात से सहमत होता है। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, तो सड़ाव बोलता है कि मैं इस बारे में तो सोच ही नहीं रहा हूं, जैसे क्या ये आदमी ठीक हो जाएगा तो इसको हमें क्या करना चाहिए, इसको हैंड ओवर कर देना चाहिए, किसको, पुलिस को या आर्मी को। दस अग्री, और इसके बाद वो दोनों सहमत होते हैं टुगेदर, एक साथ दे लिफ्ट द मैन, वो आदमी को उठाते हैं दोनों, हैना और डॉक्टर सड़ाव। ही वॉज वेरी लाइट, वो हल्का होता है, लाइक ए फाउल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम अंटिल, ओके ये बर्ड हो गया एक दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड, स्टार्ट का मतलब क्या है, भूखा हो जाना, फॉर ए लॉन्ग टाइम, मान लो एक ऐसा बर्ड की तरह, बिल्कुल बर्ड की तरह हल्का था, मानो एक ऐसा बर्ड जो कि उसने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं था, अनटिल इट इज ओनली फैदर्स एंड स्केल्टन, मान लो उसकी जो जो उसकी बॉडी के अंदर सिर्फ उसके फैदर्स, उसके पंख थे और उसका कंकाल था, यानी उसके अंदर वजन ही नहीं था, वो जो अमेरिकन था वो भूखा था और उसके अंदर उसकी जो वो एक बहुत ही हल्का हो चुका था। So his arms hanging, और उसके जो बाहें थी वो हिल रही थी, किसकी, अमेरिकन सोल्जर की। They carried him up to the steps, और वो सीरियस होते उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, into the side of the door, जो पीछे वाला, जो पीछे का एक डोर होता है, साइड का डोर होता है, दरवाजा होता है, उससे of the house, उसको अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। This door opened into a passage, और जैसे ये दरवाजा खुलता है तो उसके सामने एक passage यानी gallery होती है, and down the passage, और उस gallery के नीचे They carried the man towards an empty bedroom, और उसको एक खाली बेडरूम के अंदर लेकर चले जाते हैं, है ना, और डॉक्टर सड़ाव। It had been the bedroom of Dr. Sadao's father, और जिस बेडरूम के अंदर वो लेकर जाते हैं वो डॉक्टर सड़ाव के फादर का बेडरूम होता है। And since his death, और डॉक्टर सड़ाव के फादर मर चुके हैं, it had not been used, और उसके बाद इस
बेडरूम को यूज नहीं किया गया, यानी जब से डॉक्टर सडाओ के फादर मरे हैं इस बेडरूम को नहीं खोला गया है। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, मैटेड मतलब यहाँ पर कालीन कह सकते हो, और एक कालीन के ऊपर उसको वो लेटा देते हैं, यानी फ्लोर के ऊपर लेटा देते हैं, उस फ्लोर के ऊपर एक मैट लगा होता है। एवरीथिंग हियर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, और मतलब जो कमरा था वो उसके फादर को खुश करने के लिए उसी वे में सजाया गया था, जो जापानीज वे में उसको सजाया गया था, क्योंकि उसके जो फादर थे वो एक ट्यू जापानीज थे और वो जापानीज कल्चर को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, तो इसी वजह से उसका पूरा का कमरा जापानीज कल्चर के अंदर, ट्रेडिशन के अंदर सजाया गया था। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर स्लीप, और जो जनरली जो है ना जो जापानीज होते हैं वो ना तो मतलब किसी चेयर के ऊपर बैठते हैं और जनरली वो कोई बेड होता है उसके ऊपर भी नहीं सोते। तो उसके फादर क्या थे जो डॉक्टर सडाओ के, वो एक जापानीज ट्रू जापानीज थे, ना तो चेयर का यूज करते थे ना कभी वो बेड के ऊपर सोते थे। हैना वेंट टू द वॉल, हैना दीवार के पास जाती है, कवर्ड्स अलमीरा के पास एंड स्लिप बैक, अलमीरा को पीछे की तरफ करती है डोर के, एंड टुक आउट द सॉफ्ट क्विल्ट, क्विल्ट का मतलब रजाई वगैरह कह सकते हो। शी हेजिटेटेड, वो हेजिटेट करते हुए नर्वस होती है। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क, और जो रजाई थी जो क्विल्ट था ब्लैंकेट कह सकते हो फ्लावर्ड सिल्क, और उसके ऊपर सिल्क के बने हुए फ्लावर थे, एंड द लाइनिंग वॉज प्योर सिल्क, और उसके ऊपर जो लाइनिंग बनी हुई थी वो सिल्क की थी, व्हाइट कलर की थी। तो है ना कहीं हेजिटेट करती है कि ये जो पूरा का पूरा जो क्विल्ट है उसका जो रजाई है या ब्लैंकेट है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा ब्लड की वजह से। तो इस वजह से है ना क्या कर रही थी, अभी थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी। इट्स सो डर्टी, कहते हैं ये तो बहुत गंदा है, इट्स सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब रेस्टलेस, मतलब बेचैनी के साथ मर्मर्ड बड़बड़ाते हुए बोलती है ये बहुत गंदा है और ये तो क्विल्ट है बहुत ज्यादा गंदी हो जाएगी। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सडाओ अग्रीड, कहते हाँ बिल्कुल सही कहा, तो इससे सबसे पहले तो इसको वॉश करना चाहिए, इसको क्लीन करना चाहिए इसको। इफ यू विल फैच हॉट वाटर, अगर तुम थोड़ा पानी ले आओगी गर्म पानी, आई विल वॉश हिम, मैं इसको क्लीन कर दूंगा, मैं इसको वॉश कर दूंगा, किसको, उस अमेरिकन सोल्जर को। आई कैन नॉट बियर यू टू टच हिम, शी सेड, और यहाँ पर हैना बोलती है कि मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि मेरा हस्बैंड किसी अमेरिकन को टच करे, खासतौर पर इस सोल्जर को तुम टच करो। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज देयर, और हमें सर्वेंट को बताना होगा कि यहाँ पर ही इज देयर, मतलब ये जो अमेरिकन सोल्जर है वो यहाँ पर है, हमें अपने सर्वेंट्स को बताना होगा। आई विल टेल यूमी, यूमी एक क्या है, यूमी एक सर्वेंट है, बेबी सीटर है, जो कि उसके बच्चे का ख्याल रखती है। तो वो कहती है कि मुझे यूमी को बताना होगा नाउ, एंड शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ मिनट्स, वो बच्चों को कुछ टाइम के लिए छोड़ सकती है, एंड शेड कैन वॉश हिम, और वो क्या कर सकती है, इस अमेरिकन सोल्जर को क्या कर सकते, क्लीन कर सकती है। सडाओ कंसिडर अ मोमेंट, सडाओ कुछ टाइम के लिए सोचता है, लेट इट बी सो, चलो ठीक है ऐसा होने दो, ही अग्रीड, वो सहमत हो जाता है किसके साथ, हैना के साथ। यू टेल यूमी, तुम यूमी को बताओ जाकर, एंड आई विल टेल द अदर्स, मैं दूसरे सर्वेंट्स को बता देता हूँ, क्योंकि बिना सर्वेंट्स की हेल्प के बिना तो उनका जो काम था वो मुश्किल हो सकता था। तो इस वजह से वो कहता है कि हैना को बोलता है कि तुम जाके यूमी को बताओ और मैं दूसरे सर्वेंट्स को बता देता हूँ। बट अटर पेलोर, अटर का मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, पेलोर का मतलब पीलापन, द मैंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, और उसका जो चेहरा मतलब जो अमेरिकन सोल्जर था उसका जो चेहरा था बिल्कुल पीला पड़ चुका था, एंड मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, स्टूप का मतलब झुकने के सेंस में, और उसकी पल्स को, उसका जो पल्स मतलब हार्ट बीट या उसके जो पल्स होती है, नर्व सिस्टम होता है, उसके पल्स को महसूस करने की कोशिश करता है कौन, डॉक्टर सडाओ। इट वॉज फेंट, बहुत ज्यादा वीक, हल्की उसकी जो पल्स रेट थी वो बहुत ज्यादा वीक थी, बट इट वॉज देयर, लेकिन वो थी वहां पर, मतलब इसका ये मतलब था कि अमेरिकन तो अभी भी जिंदा था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन कोल्ड ब्रेस्ट, और उसके बाद जो डॉक्टर सडाओ है उसकी चेस्ट के ऊपर अपना हाथ रखता है, द हार्ट हू वॉज येट अलाइव, और जो हार्ट बीट थी वो भी धड़क रहा था, यानी हार्ट था वो अभी धड़क रहा था, तो इस बात का सिग्नल था कि वो आदमी अभी जिंदा था, अमेरिकन सोल्जर जिंदा था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सडाओ सेड, अब सडाओ बोलता है कि अगर इस आदमी को ऑपरेट नहीं किया गया तो ये शायद ये मर जाएगा। कंसिडरिंग, इस बात को सोचते हुए, द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे,
The question is whether he will die. He will not die anyway. Hannah cried out in fear. Don't try to save him. What if he should live? यहाँ पर हैना बोलती है कि मतलब मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे है ना, वो सोचती है कि ये जो आदमी है मर जाएगा, ये क्वेश्चन दिमाग में हैना के भी आता है। कहती है हैना cried out, चिल्लाना, कहती है वैसे भी इस आदमी को बचाने का फायदा क्या है, what if he should live, और वैसे भी ये जीकर करेगा क्या, what if he should die, और अगर ये मर भी गया तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। सडाउ रिप्लाइड, मतलब अगर ये मर, वो कहती है ना, बोलती है कि अगर ये जी भी गया तो जी के भी क्या करेगा। तो यहाँ पे डॉक्टर सडाउ कहता है कि मर भी गया तो हमें भी क्या, मर भी गया तो इससे भी क्या फर्क पड़ेगा। ही स्टूड गेजिंग, गेजिंग का मतलब टकटकी लगाकर देखना, और जो डॉक्टर सडाउ होता है वो उस अमेरिकन सोल्जर की तरफ टकटकी लगाकर देखता रहता है। उसके बाद डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, और डॉक्टर सडाउ उस जो इनएक्टिव मैन होता है, जो बिल्कुल बेसुध पड़ा होता है, अनकॉन्शियस पड़ा होता है, उसकी तरफ देखता है। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी, वाइटलिटी का मतलब होता है एक ऐसी, जो मतलब कह सकते हो कैपेसिटी ऑफ लिविंग, मतलब आपके अंदर कुछ ताकत होती है उसके लिए, यानी इसके अंदर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब एक आम इंसान के अंदर जो एक क्षमता होती है, शक्ति होती है, इस आदमी के अंदर कुछ ज्यादा है, क्योंकि तभी तो वो जिंदा है, और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, क्योंकि अभी तक एक आम इंसान होता तो मर जाता, बट देन ही वॉज वेरी यंग, और दूसरी बात ये बहुत जवान है, perhaps not very 25, हो सकता है इसकी एज 25 साल से भी कम हो। You mean die from the operation? Hannah asked. अब यहाँ पे उससे पीछे लाइन में बोला था ना कि अगर ये मर गया तो यहाँ पर मतलब उसने ये बात किस वे में बोली थी, ये डॉक्टर सडाउ ने बोली थी उस वे में कि मान लो कि मैं इसको ऑपरेट करता हूँ, अगर ऑपरेशन के दौरान अगर ये आदमी मर गया, तो हैना ने अब इससे क्वेश्चन पुट करी है, अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऑपरेशन के दौरान मर गया तो। यस सडाउ सेड, हाँ मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर ऑपरेशन के दौरान मर गया तो। हैना कंसिडर दिस डाउटफुली, हैना कंसिडर दिस डाउटफुली, संदेह के साथ। एंड वेन शी डिड नॉट आंसर सडाउ, और डॉक्टर मतलब क्योंकि डॉक्टर सडाउ बहुत ज्यादा अच्छे एक डॉक्टर थे, और जब डॉक्टर सडाउ बोलते हैं कि हाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर ये मर गया तो, अब हैना को मतलब ये जो स्टेटमेंट बोली डॉक्टर सडाउ ने, तो वो उसकी तरफ डाउटफुली देखती है। एंड डॉक्टर सडाउ टर्न अवे, और डॉक्टर सडाउ अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, अब हमें कुछ ना कुछ इसके साथ करना होगा, इसकी जान हमें बचानी होगी। ही सेड, डॉक्टर सडाउ बोलते हैं, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, सबसे पहले इसको क्लीन करना होगा, साफ करना होगा। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, और वो जो है ना थी वो क्या थी, उस वाइट मैन के साथ, उस अमेरिकन सोल्जर के साथ अकेले उस कमरे में नहीं रहना चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, आई थिंक अमेरिका छोड़ने के बाद, मतलब उसने किसी भी अमेरिकन को नहीं देखा था शायद अमेरिका छोड़ने के बाद, जब वो अपनी स्टडी करने के लिए अमेरिका गई थी, जब डॉक्टर सडाउ से वो मिली थी, तो शायद उसके बाद अमेरिका छोड़ने के बाद पहली बार किसी अमेरिकन को वो देख रही है। नाउ ही सीम्स टू हैव नथिंग टू डू विद हिम, और वैसे भी He seems to have nothing to do with him, with those whom he had never known there. और वैसे भी डॉक्टर, वैसे भी अगर बात की जाए, he seems to have nothing to do with those whom she had known there. और वैसे भी ये जो अमेरिकन है, इसका लेना देना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हैना इसको नहीं बल्कि दूसरे अमेरिकन को जानती है, जो अपनी अमेरिका के अंदर स्टडीज करती थी, तो इस आदमी से उसका कोई लेना देना भी नहीं है। Here he was her enemy, क्योंकि ये जो अमेरिकन सोल्जर था वो उसका दुश्मन था, उसके देश का दुश्मन था। एमिनेंस, मिनेंस का मतलब कष्टदायी, कष्टदायी जो आपको कष्ट देता है, दुख देता है। लिविंग और डेड, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिंदा रहे या मर जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी ये मेरे देश का क्या है, दुश्मन है। तो ये बात यानी कहीं ना कहीं हैना के माइंड में चल रही है, बट एट द सेम टाइम उसके दिल के अंदर ह्यूमैनिटी भी है, यानी कहीं ना कहीं डॉक्टर सडाउ और जो हैना है वो बाहर से आउटर, अगर बात करते हैं आउटर पर्सनैलिटी में, वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस आदमी से नफरत करते हैं, लेकिन इंटरनली अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और उनके दिल में ह्यूमैनिटी है, और वो इस आदमी को बचाना चाहते हैं। राइट, सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, दिस इज आवर पार्ट नंबर 2, सो टुमारो आई विल कंटिन्यू विद पार्ट नंबर 3। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।